हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 15 नवंबर 2019 की प्रिलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वह है 11th ब्रिक्स समिट के बारे में। तो देखो, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उनके बीच में भी सबमिट हुआ था। कहाँ पे? ब्राज़ील की एक सिटी है जिसका नाम है ब्राजीलिया, वहाँ पे सबमिट आयोजित किया गया था। कौन कौन सी कंट्री हैं इसमें, पहले तो वो देख लेते हैं। तो देखो, ब्रिक्स है वो मेनली वर्ल्ड की जो पांच टॉप, या बोल सकते हो कि पांच अच्छी अच्छी जो इकोनॉमी है जो कि मेनली उभर रही है। मेनली ये ध्यान रखना, डेवलप की बात नहीं की गई यहाँ पे, यानी कि जो उभरती हुई काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है उनका एक ग्रुप है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, एक साइड अगर हम बात करें तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ऐसे ही पाँच कंट्रीज़ का मिला के ग्रुप है वो बनाया गया है। तो इस बार जो समिट आयोजित किया गया था ब्राज़ील में, इसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। देखो, फिर एक छोटा दो चार फैक्ट दिए गए हैं कि जो ब्रिक्स नेशन था इनकी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की लगभग ये जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है उसमें 50% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का भी मार्केट बहुत बड़ा है, इसी के साथ रशिया का भी मार्केट काफ़ी बड़ा है, और हम बात करें चाइना का भी मार्केट बहुत बड़ा है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका एक काफ़ी अच्छी कंट्री, लीडिंग कंट्री है और हम देखें एक तरीके से तो, और बाकी कंट्रीज़ भी रह गई हैं इनकी। यहाँ पे ब्राज़ील है, उसमें भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, उनकी ग्रोथ है वो लगभग इसमें कवर वो की जाती है। अब हम कुछ इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या, कैसे ये बनाया गया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की जो टॉप हम बात करेंगे मेजर इकोनॉमिक है डेवलपिंग, ये ध्यान रखना यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पे की गई है। स्टार्टिंग में इसमें चार ही कंट्री थी, स्टार्टिंग में इसका नाम था ब्रिक, BRIC। तो बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना। बट 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड है वो कर लिया गया, और अब कुल मिला के इसमें पांच कंट्रीज हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 23% जो ग्लोबल GDP है इसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। इसी के साथ ही वर्ल्ड का जितना ट्रेड होता है इसका 17% जो ट्रेड है वो अकेले इन पांच इकोनॉमी के बीच में होता है। इसी के साथ ही अगर और कुछ फैक्ट देखें तो ब्रिक्स नेशन है वो सारे के सारे जो उसके मेंबर हैं पांचों कंट्रीज, वो G20 का भी मेंबर है। तो देखो, कई बार UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी मतलब G20 मेंबर हैं या नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका मेंबर है या नहीं है। मेनली UPSC उन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछती है जिनकी मेंबर इंडिया है वो है, जैसे कि आपको पूछ सकती है कि बिम्सटेक, और इसी के साथ आपको पूछ ले कि SAARC के बारे में, कि बिम्सटेक और SAARC में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो कॉमन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो SAARC है उसमें मेनली 8 कंट्रीज आती हैं, जबकि ब्रिक्स जो हमारे साथ बिम्सटेक है इसमें 7 कंट्रीज हैं। तो कौन कौन सी कॉमन है, कौन सी नहीं है, ऐसे फैक्ट कई बार UPSC पूछ लेती है। देखो, जो ब्रिक्स का लास्ट समिट था वो आयोजित किया गया था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो जो 10th समिट था इसका वो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, और अभी जो 11th समिट है वो ब्राज़ील की एक सिटी है जिसका नाम है ब्राज़ीलिया, वहाँ पे आयोजित है वो किया गया था। तो UPSC सेकेंड लास्ट और जो भी करंट सबमिट है इसके बारे में पूछ सकती है। अब एक छोटा सा फैक्ट आता है कि किस चीज़ पे इस पर डिस्कशन की गई, मतलब कौन कौन से टॉपिक पे ब्रिक्स में चर्चा है वो की गई है। तो जो मेन मुद्दा था वो रहा था इस बार आतंकवाद। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और हर कंट्रीज की इकोनॉमी है वो आतंकवाद की वजह से प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में कोऑपरेशन मतलब सहयोग करने की बात की है, जैसे कि क्राइम के अगेंस्ट वो लड़ेंगे, इसी के साथ ही जो क्राइम के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको काउंटर करना है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, जो ऐसे बड़े बड़े इशूज़ हैं इनको काउंटर करने के लिए कैसे हम हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों पे डिस्कशन है वो यहाँ पे की गई है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट यह था कि जो मूडी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है USA बेस्ड, उसने अभी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक उसको कहा कि भाई वो 5.6% के पास आके सिमट गई है। तो देखो, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है और इंडिया में कौन है और इंडिया में इनको रेगुलेट कौन करता है। जैसे कि बाहर की हम बात करें तो मूडी है, इसके बारे में UPSC कई बार पूछ सकती है आपको कि मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहाँ की है, पता हो थोड़ा बहुत इसके बारे में फैक्ट। तो हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब समझते हैं। क्रेडिट का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो क्रेडिट देना, यानी कि लोन देना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक तरीके से लोन ही देता है, तो वहीं से आप इसका मतलब समझ सकते हो। देखो, अब इस पर डिपेंड करता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ये बैंक है ये किसी भी पर्सन को लोन दे रहा है, संस्था हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भाई जो भी ये संस्था या पर्सन है, जैसे ये संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन कोई भी हो सकता है, इसकी कैपेसिटी है या नहीं है वापस लोन देने की,
मतलब कहीं ना कहीं इस आदमी के पास इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि ये लोन को वापस रिकवर कर सके, इसकी इतनी स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि मार्केट वैल्यू होनी चाहिए आदमी की इस चीज़ की कि हाँ भाई वो लोन को चुका देगा। तो एक तरीके से इसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो जारी करती, मतलब रिस्क जारी की जाती है इनके द्वारा कि भाई कोई भी लोन देने में क्रेडिट रिस्क है वो कितना है, यानी कि जो पॉसिबल क्रेडिट रिस्क है इसको एसोसिएट करके ये रेटिंग एजेंसी है वो जारी करती हैं कि भाई इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि एक्स वाई जेड कंपनी है, इसको लेके कोई भी क्रेडिटिंग एजेंसी ने कह दिया कि यार बहुत अच्छी कंपनी है, आराम से लोन चुका देती है, आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं हुई, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है, मतलब इस एक्स वाई जेड कंपनी को लोन देने में कोई भी नहीं कतराएगा। क्यों? क्योंकि पता है सबको कि भाई ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट में इसकी एक प्रतिष्ठा है, वैल्यू है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेंगी, इसकी जो रेटिंग है वो सबसे अच्छी रखेंगी, जैसे मान लो कि AA AAA+ वगैरह इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं ये काम किया जाता मॉनिटर की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं, वो आती हैं सेबी के द्वारा, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट मॉनिटर है वो करता है। कौन सा एक्ट है? सेबी एक्ट 1992 के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना कि हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मॉनिटर या रेगुलेट सेबी के द्वारा किया जाता है। मेनली हमारे देश में 6-7 के आसपास क्रेडिटिंग एजेंसी हैं, तो इसमें आपको एक तो इसका नाम पता होना चाहिए यहाँ पे समीरा के बारे में, ये क्रेडिटिंग एजेंसी है। एक केयर है यहाँ पे, एक ICRA हो गई है, इसी के साथ ही एक ये है CRIS क्रिस, इसके बारे में UPSC आपसे पूछ सकती है। तो ये मेनली देखो मोटी मोटी इंडिया की, से यहाँ पे मैंने 5 आपको बता दिए हैं, और भी हैं एक दो छोटी मोटी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से आपको एक दो का नाम तो एटलीस्ट याद रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, तो इसीलिए हमें पता हो कि भाई इंडिया की रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं और रेगुलेट किसके द्वारा की जाती हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आज का। देखो क्वेश्चन ये है कि वॉट डज द ड्यूएलेशन ऑफ ए करेंसी लेड्स टू, मतलब कि ड्यूएलेशन है करेंसी का इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस, सेकंड है फॉल ऑफ डोमेस्टिक प्राइस, थर्ड दिया गया है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, और फोर्थ दिया गया नन ऑफ द अबव। तो देखो ड्यूएलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अपनी करेंसी है उसको ड्यूएलेट करना, इसकी वैल्यू कम करना। जैसे मान लो कि आज इंडियन रुपीज की वैल्यू है वो है कि $1 के कंपेरिजन में ₹60 मिल रहे हैं, बट आज हमने हमारी करेंसी को ड्यूएलेट करवा दिया, मतलब डॉलर की कंपेरिजन में हमारी वैल्यू कम हो गई। कम होने का मतलब आज $1 में मान लो कि ₹70 आने लग गई, तो हमारी करेंसी ड्यूएलेट होगी ना, इसका क्या फायदा होगा, मतलब इसका क्या इफेक्ट है वो आएगा, ये आप बताइए। देखो आप सोच के देखिए, मतलब अब कोई भी आदमी है अगर वो मार्केट में $1 लेके जाएगा तो उसके पास ₹70 मिलेंगे, उसको पहले कितने मिले थे 60, इसका मतलब मार्केट में क्या हुआ है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर मार्केट में डॉलर लेके जाएगा तो उसको बदले में इंडियन रुपीज़ में क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है यानी लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्राइस है वो बढ़ेंगी, यानी कि थोड़ी महंगाई है वो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन, या आप बोल सकते हो कि डोमेस्टिक प्राइस है प्रोडक्ट की वो बढ़ेंगी, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही UPSC कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये UPSC ने 2018 प्रीलिम्स में पूछा था। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द ATMs इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में जितने भी ATM हैं इनको कौन लिंक है वो करते हैं। पहला ऑप्शन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, सेकंड है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, थर्ड है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर खैर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप आपने इसका आंसर ऐसे सोच लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आई है वह है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या, ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि GCF, इसको सेटअप किया गया था 2010 में। आपने UNFCCC का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC है ना, इसके द्वारा ही जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित की जाती हैं हर साल, और वो ही ग्रीन क्लाइमेट फंड को रेगुलेट या मॉनिटर है वो करती हैं, यानी कि UNFCCC है, इसके द्वारा ही ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया था। और रेगुलेट कौन करता है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित की जाती हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, वो इस फंड को रेगुलेट या मॉनिटर है वो करता है। क्यों बनाया गया था इस फंड को, इस फंड को इसलिए बनाया गया था कि भाई जो कंट्री मेनली बनाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ओनली डेवलपिंग कंट्री नहीं है, मेनली मतलब इसका फोकस रहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई भी पैसे की ज़रूरत हो या उनको सपोर्ट चाहिए हो तो वो प्रोवाइड करा जाएगा इस फंड के थ्रू।
ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या काम करता है ये फंड? ये फंड है वो प्रोवाइड करवाता है कोई भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, या कोई भी पॉलिसी वगैरह प्रोवाइड करनी हो तो उसके लिए डाटा वगैरह किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और डेवलपिंग कंट्रीज को जैसे भी सपोर्ट चाहिए हो वो प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वो एक अच्छी हेल्दी इकोनॉमी है उसको डेवलप कर सकें, और जो पोल्यूशन या आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हैं इनको काउंटर कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया गवर्न कौन करता है, इसको गवर्न किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर आती हैं। हर साल इनकी आयोजित की जाती है मीटिंग, और वही इसको रेगुलेट है वो करती है। अब हम देखते हैं न्यूज़ क्या थी। देखो कंटेक्स्ट कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, न्यूज़ बस ये आई थी कि अभी हमारे देश में जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट को लेके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपको पता कि लगातार बाढ़ आ रही है कुछ टाइम से, जिससे जो वहाँ के लोगों का आजीविका है या घर है वो मतलब तहस नहस होते जा रहे हैं। तो एक तरीके से हमें ऐसी डेवलपमेंट करना है कोस्टल एरिया में जो कि क्लाइमेट का इफेक्ट ना पड़े, यानी कि क्लाइमेट जो रिसाइलेंस है इसके लिए के ही हमें डेवलपमेंट करना है, ताकि कोस्टल एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं उन पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ना पड़े, फ्लड वगैरह है तो उनको इतना नुकसान वगैरह ना हो। तो इसी के लिए जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसकी हेल्प से हमें लगभग 43 मिलियन डॉलर का फंड है वो मिल रहा है, ताकि उससे हम डेवलपमेंट कर सकें। और इसके साथ और पार्टनरशिप कौन है इस फंड के साथ, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनडीपी और जीईएफ, सॉरी जीसीएफ, यूएनडीपी प्लस ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये दोनों मिलके इंडिया को 43 मिलियन डॉलर की फंडिंग दे रही हैं, ताकि इससे निपट सके हमारे देश में जो भी क्लाइमेट्स के चेंजेस आ रहे हैं कोस्टल एरिया में मेनली। और इसका जो पैसा है वो दिया जाएगा 3 स्टेट्स को फोकस है, एक तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में क्लाइमेट रिसाइलेंट जो लाइवहुड है उसको डेवलप करने के लिए फोकस वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे पंबा रिवर के बारे में। देखो एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, पंबा अचनकोविल वेपर रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। कौन कौन सी रिवर को इसमें इंटरलिंक किया जा रहा है वो देखते हैं। देखो जो दो रिवर है यहाँ पे, पहली दो रिवर दिख रहा है आपको, पंबा और अचनकोविल, ये हैं कहाँ की रिवर है, केरला की। तो इन रिवर का पानी है वो वेपर रिवर में ट्रांसफर है वो किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई भी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का नाम आए तो जो पहले जो इस नदी का नाम आता है उस नदी का पानी दूसरी नदी में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि आपने केन बेतवा का नाम सुना होगा, मतलब क्या है केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट में, कि केन रिवर का जो सरप्लस पानी है वो बेतवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पंबा और जो अचनकोविल रिवर है केरला की, इनका जो सरप्लस पानी है वो वेपर रिवर में ट्रांसफर करने का प्रोजेक्ट है, कि इन तीनों रिवर को आपस में कनेक्ट किया जा सके। कंटेक्स्ट ये है कि केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि केरला अपनी जो दो नदियां पंबा और जो अचनकोविल है इनका पानी नहीं जाने देना चाहता तमिलनाडु में। केरला का कहना है कि भाई हमारे पास पानी वैसे ही बहुत कम है और इन दोनों नदियों में कोई सरप्लस पानी नहीं है, यानी कि हम हमारा पानी यहाँ पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पानी को लेकर वैसे ही काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रावर्सी है स्टेट के बीच में क्रिएट होती रहती है। तो इसीलिए केरला इसका प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। तो इसमें एक तो यूपीएससी इन रिवर के बारे में पूछ सकती है कि कौन सी रिवर कहाँ की है, तो वेपर रिवर कहाँ की है, तमिलनाडु की है, और पंबा जो अचनकोविल रिवर है वो है केरला की। तो इन दोनों रिवर का पानी वेपर रिवर में ट्रांसफर करने की बात है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट इसका विरोध है वो कर रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रही आपको दिख रही है पंबा रिवर यहाँ पे दिख रही है, और इसी के साथ जो बाकी रिवर आई रही यहाँ पे, और ये कैनाल के थ्रू जो पानी है वो ये वेपर रिवर दिख रही है यहाँ पे आपको, इसमें ट्रांसफर करने की बात है वो की जा रही है। तो बस थोड़ी लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर का पानी किधर ट्रांसफर है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है भीम यूपीआई के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये था कि जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, इसको अभी इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट है वो करने की बात की जा रही है, और इसी को लेके अभी एक सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल आयोजित किया गया था, उसमें इंडिया की तरफ से इस पे मतलब बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर ने या इसकी उसको भी पार्टिसिपेट करवाया गया है, ताकि इसको इंटरनेशनल लेवल पे बूस्ट है वो किया जा सके। यह है कंटेक्स्ट। अब हम देखते हैं आगे की मेन सार क्या है और क्या क्या है भीम यूपीआई, कैसी है काम करता है। तो पहले तो हमें जानते हैं कि यूपीआई का क्या मतलब है। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो यूपीआई एक सिस्टम है, आप ये बोल सकते हो कि एक टाइप का सिस्टम क्रिएट किया गया है। इसमें ये होता है कि भाई जो भी अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट, जैसे कि आपको पता है कि एक पर्सन के काफ़ी सारे अकाउंट्स हो सकते हैं अलग अलग बैंकों में, तो ये यूपीआई क्या करेगा,
एक प्लेटफॉर्म है, या आप बोल सकते हो कि एक रास्ता प्रोवाइड करवाएगा इन बाकी बैंक अकाउंट को एक ही पर्सन की, वो एक ही जगह सिंक हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम भीम यूपीआई कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो पहले हम अपने मोबाइल नंबर डालते हैं, तो हमारे जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनकी डिटेल आ जाती है, फिर हम उनको सिंक करते हैं। तो जो जितने भी बैंक अकाउंट की डिटेल आती है वो यूपीआई के तरीके से ही आती है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। वो क्या करता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है और जो भी मल्टीपल बैंक अकाउंट है एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के, उनको एक जगह कनेक्ट करता है और फिर आगे की प्रोसीजर है वो आगे कंटिन्यू की जाती है। तो ये तो है यूपीआई। इसमें पीर टू पीर जो डाटा कलेक्ट है वो किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूपीआई का काम क्या है। अब हम देखते हैं आगे भीम के बारे में। देखो, भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि यूपीआई बेस्ड ही एक इंटरफेस है। मतलब भीम भी एक सॉफ्टवेयर है और यूपीआई भी एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को मिला के भीम यूपीआई है वो काम करता है। यूपीआई का काम क्या है, यूपीआई का काम यह है कि जो डिफरेंट बैंक अकाउंट है उनको एक जगह लेके आना, और भीम क्या करेगा, भीम इनको फिर जो पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा। भीम को डेवलप किया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा। अब देखो, एक यूपीएससी यहाँ पे ये पूछ सकती है कि जो भीम एप्लीकेशन है इसमें कितने तरीके की ऑथेंटिकेशन है, या आप बोल सकते हो जांच की जाती है ऑथेंटिकेशन की। तो इसमें देखो 3 लेवल ऑथेंटिकेशन होता है। पहला कौन सा होता है, जब भी हम कोई भी भीम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं यूपीआई इंटरफेस वाला, जैसे कि फोन पे वगैरह हो, तो सबसे पहले तो वो डिवाइस की आईडी है उसको चेक करता है और मोबाइल नंबर को। सेकंड काम क्या होता है, जो बैंक अकाउंट है उनको चेक किया जाता है कि भाई बैंक अकाउंट इसका है या नहीं है यहाँ पे, और उसके डाटा की डिटेल है वो कलेक्ट की जाती है। और तीसरा ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जब भी हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक यूपीआई पिन है वो पुट करना होता है, 6 डिजिट के समथिंग का। तो मतलब यहाँ पे 3 लेवल की जो ऑथेंटिकेशन है वो चेक की जाती है, इसी के बाद में पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरीके से यूपीएससी पूछ सकती है कि भीम यूपीआई में कितने तरीके की ऑथेंटिकेशन है वो चेक यूज है वो की जाती है। तो 3 लेवल की है वो यहाँ पे की जाती है, ऐसा यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन भी पूछा है। अब हम देखते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे देश में जितने भी रिटेल पेमेंट होते हैं इनकी खुदरा जो पेमेंट है वो और उनका सेटलमेंट है वो करता है। वैसे ही है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इनिशिएटिव था RBI का, और जो हमारे इंडियन बैंक एसोसिएशन है जो कि अंडर आते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, यानी कि हमारे जो इंडियन बैंक एसोसिएशन, उन्होंने और RBI ने दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, जो भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं उनका सेटलमेंट है वो इसके थ्रू किया जाता है। इसको नॉट फॉर ए प्रॉफिट कंपनी के तहत रजिस्टर है वो किया गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोई NGO वगैरह नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि पेमेंट सेटलमेंट को लेकर काम करती है। 2016 में से डिटेल वगैरह दी गई हैं, तो वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब हमने आज एक क्वेश्चन देखा था कि हमारे देश में जो ATM है वो किसके द्वारा रेगुलेट है या लिंक है वो किए जाते हैं। तो देखो, हमारे देश में जो ATMs का नेटवर्क है, जो जाल है, इसको रेगुलेट या बोल सकते हो मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि जो NPCI है वही हमारे देश में ATMs को लिंक करके रखती है, इसी की है जिम्मेदारी है। तो ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसी तरीके से UPSC काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेती है। अब एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 11th ब्रिक्स सबमिट के बारे में जाना, फिर हमने ब्रिक्स कंट्रीज क्या क्या हैं, कैसे इनके बीच में टाइप मतलब एग्रीमेंट होते हैं उनके बारे में हमने देखा। इसी के साथ ही हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में जाना, SEBI के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं उनको हमने कवर किया। इसके बाद हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में जाना। देखो, एक चीज़ बताऊँ, ग्रीन क्लाइमेट फंड और ग्रीन जो इन्वायरमेंट फंड है GEF, दोनों अलग अलग हैं, आपको इनमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। GEF को हम आगे कभी अलग से डिस्कस करेंगे। इसके साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड के अलावा हमने यहाँ पे जाना पंबा, जो HNCOVIL वेपोर रिवर इंटरिंग प्रोजेक्ट है केरला और तमिलनाडु का, इसके कुछ फैक्ट हमने यहाँ पे देखे। इसी के साथ हमने भीम यूपीआई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कवर किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।